सेवंथ है वो है 4 upon cot 30 square plus 1 upon sin 30 square, ओके, माइनस cos square 45 या cos 45 square. तो पहले तो सबकी वैल्यूज लिख लेते हैं. cot 30 की वैल्यू क्या होती है? cot 30 की वैल्यू होती है 1 upon root 3, ओके. नेक्स्ट sin 30 की वैल्यू होती है 1/2. cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2. ओके, सभी वैल्यूज आ गई हैं, तो इन्हें पुट कर देते हैं आप सीधा. 4 upon cos 30 square, यानी cos 30 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 upon sin 30 का स्क्वायर. sin 30 का स्क्वायर क्या होगा? sin 30 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस cos 45 का मतलब 1/√2 का स्क्वायर. सो क्या आएगा? 4 upon √3 का स्क्वायर क्या होता है? √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1/1 का स्क्वायर 1/2 में 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये क्या हो जाएगा? 1/2 में √2 का क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2. सो अब देखो ये 4/3 प्लस 4 क्या चला जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/1 माइनस 1/2. एलसीएम देखो, एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम देखो 2, 3, तो एलसीएम हो जाएगा 6 लेंगे तो 3, 2 जा 6, 2 बचा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो क्या आएगा? 8, 4 को करेंगे 6 से, 1 को करेंगे 6 से, तो 6 बचेगा, 6, 4 जा 24, माइनस 2 को करेंगे 6 से तो 3 बचेगा, 3 को 1 से करेंगे तो 3, 8 माइनस 3, 5, 5, 24 में प्लस करें तो क्या आता है? 29/6 क्या होगा हमारा आंसर? जो हमारा क्वेश्चन 8 है वो क्या है? 10 square 60 प्लस 4 sin square 45 प्लस sin square 90, 3 sec square 30 प्लस cosec square 60 माइनस cot square 30. सबसे पहले तो इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं. 1060, तो 1060 की वैल्यू क्या होती है? √3. फिर क्या है? sin 45, सो sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2. फिर क्या है? sin 90 की वैल्यू क्या होती है? 1. sec 30, सो sec 30 की वैल्यू क्या होती है? 2/√3. cosec 60, तो cosec 60 की वैल्यू क्या होती है? ये भी होती है 2/√3. ओके, फिर क्या है? cot 30, तो cot 30 की वैल्यू क्या होती है? √3. ओके, ये वैल्यूज जो है, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको टेबल बनानी सिखाई थी, है ना, टेबल से आप इजीली, आप क्या करो, एक पेज पे टेबल लिख लो, जब क्वेश्चन करने बैठो तो टेबल में से ये आप बना लिया करो, और 2-3 बार रिवाइज करोगे तो इजीली आपको लर्न हो जाएंगे सारे ये जो भी आपकी वैल्यूज हैं. 10, अब सॉल्व करते हैं फटाफट इसको. 1060 यानी √3, तो √3 का क्या करना है? यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में कोई सिंबल नहीं है तो ये मल्टीप्लाई. साइन स्क्वायर क्या है? 45, तो साइन 45 का स्क्वायर कर दो, 1/√2 का कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे. प्लस साइन स्क्वायर 90 यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन में 3. सेक स्क्वायर 30, सेक 30 की वैल्यू क्या होती है? 2/√3, तो 2/√3 का क्या करेंगे? स्क्वायर. प्लस कोसेक 60 का स्क्वायर, कोसेक 60 की वैल्यू सेम होती है सेक 30 के, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा. माइनस कॉट स्क्वायर 30 यानी कि √3 का स्क्वायर. चलो इसको सॉल्व कर देते हैं. ओके, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई, ये क्या होगा? 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस √3 का स्क्वायर 3. सो 2 से ये तो हो गया कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास? 3 प्लस 2 1 जा 2, 3 प्लस 2 प्लस 1
अपॉन में ये तो बचा अकेला 4 प्लस 4 अपॉन 3 माइनस 3। सॉल्व करते हैं इसको, तो देखो 3 टू 5 और 1 6 अपॉन में देखो 4 माइनस 3 क्या बचेगा 1, तो 1 प्लस 4 अपॉन 3। ओके तो हमें सॉल्व इसे करना है, तो यहां पे लिख लेते हैं हम इसको 6 अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन 3 लिख लिया। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, देखो इसको 1 अपॉन 1 लिख लें तो ये क्या बनेगा 6 अपॉन इसका पूरे का एलसीएम हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 प्लस 1, ये 3 6 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 6 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 3 प्लस 4, 6 3 जा 18 और 3 प्लस 4 7, ये क्या हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन 9 क्या है, साइन 30 माइनस साइन 90 प्लस 2 कॉस 0 टेन 30 और मल्टीप्लाई होगा, बीच में कोई सिंबल नहीं है, टेन 60। तो पहले तो सारी वैल्यूज लिख लेते हैं हम, पहले क्या है हमारे पास साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, ये भी होती है 1, टेन 30, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, टेन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, और टेन 60, टेन 60 की वैल्यू होती है रूट 3। ओके सारी वैल्यूज लिख ली हैं, अब इनको सॉल्व करते हैं। साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन 2 माइनस साइन 90 यानी कि 1 प्लस 2 कॉस 0 यानी 2 मल्टीप्लाई, बीच में कोई मल्टीप्लाई, और कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में टेन 30, टेन 30 क्या है 1 अपॉन रूट 3, और क्या है टेन 60, टेन 60 की वैल्यू क्या है रूट 3, तो बीच में दोनों में कोई सिंबल नहीं था तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। ओके रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो यहां पे देखो 1 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस क्या बचा, ये क्या 2, तो माइनस 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 क्या होगा, माइनस 1 प्लस 2 होगा प्लस का 1, तो हमारे पास क्या बचा 1 एंड हाफ है ना, हाफ प्लस 1, तो इसको 1 अपॉन 1 लिख लें तो क्या हो जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 हमारे पास आंसर क्या आया 3/2, या इसको आप सीधा ही लिख सकते हो 1 एंड हाफ। ओके ये हमारा हो गया आंसर। ओके तो जो 10th क्वेश्चन है क्या है 2 10 30 मल्टीप्लाई है कोई सिंबल नहीं है तो माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो 10 30 की वैल्यू चाहिए, तो पहले 10 30 की वैल्यू लिख लेते हैं, 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 3। ओके तो हमें यही वैल्यू यूज करनी है क्योंकि दोनों में 10 30 10 30 का ही यूज है, 2 मल्टीप्लाई 10 30, 10 30 का मतलब 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 10 30 का स्क्वायर, 10 30 का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, सो 2 हो जाएगा ऊपर अपॉन में रूट 3, और यहां पे क्या है 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3। ओके इसको हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन 1, तो नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे 2 अपॉन रूट 3, तो एज इट इज रहेगा 2 अपॉन रूट 3, अब ये क्या हो जाएगा एलसीएम इसका क्या आएगा 3, और यहां पे देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस 1, सो 2 अपॉन रूट 3 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ओके ये वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई में जाके क्या होती है रेसिप्रोकल, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, याद रखना ऊपर वाला फ्रैक्शन और नीचे अपॉन है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाला फ्रैक्शन क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है, तो रूट 2 से 2 कट गया तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा अब 3 अपॉन में रूट 3। ओके मैंने पहले ही बताया था, देखो हम लिखते हैं ना रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3, यानी कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 है ना, तो मैं यही यहां पे करूंगा रूट 3 को क्या लिखूंगा, 3 को क्या लिखूंगा रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 और नीचे क्या है एक रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा अकेला रूट 3, ये हो गया हमारा आंसर।